हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है ऊतक जननवाद या हिस्टोजन थ्योरी। तो हिस्टोजन थ्योरी को फ्रेंड्स जो प्रस्तुत किया था उनका नाम है हेंस्टीन। हेंस्टीन ने 1868 में ये सिद्धांत दिया। अब देखेंगे इस थ्योरी के अनुसार ऊतक जननवाद क्या है, यानी कि हिस्टोजन थ्योरी, हिस्टोजन सिद्धांत जो हेंस्टीन द्वारा 1868 में दिया गया था। अब देखेंगे इस थ्योरी के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार हेंस्टीन ने बताया कि रूट एंड शूट यानी कि तने में और जड़ में, यानी कि मूल और प्ररोह में निम्नलिखित तीन जोन होते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन्स होते हैं, यानी कि तीन विभजोतक क्षेत्र होते हैं, थ्री मेरिस्टेमेटिक जोन, इनको हम विभजोतक क्षेत्र कहते हैं, थ्री मेरिस्टेमेटिक जोन, यानी कि विभाजन की क्षमता जिनमें होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही कहलाता है, तो ऐसा विभाजन की क्षमता वाला क्षेत्र विभजोतक क्षेत्र होता है, इनको हम, इन क्षेत्रों को फ्रेंड्स हम हिस्टोजन भी कह देते हैं, इन्हीं क्षेत्रों को हिस्टोजन भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स रूट और शूट में तीन क्षेत्र होंगे विभजोतक क्षेत्र, जिनको हम हिस्टोजन भी कहते हैं। अब ये तीन क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, हम एक डायग्राम की सहायता से इसको समझते हैं, एक डायग्राम की सहायता से इसको बनाते हैं। फ्रेंड देखिए, हमने तने का या जड़ का कोई सा भी शीर्ष लिया जा सकता है, ये तो हमने एक तने का शीर्ष लिया, तो इसमें जो सबसे ऊपर तो फ्रेंड्स क्या होता है, प्रोमेरिस्टेम होता है, जिससे प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू बनता है, तो सबसे ऊपर तो प्रोमेरिस्टेम होता है, जिसको हम प्राक विभजोतक कहते हैं, प्राक विभजोतक सबसे ऊपर स्थित होता है तने में और इसमें विभाजन की क्षमता होती है। इसकी जो सबसे बाहरी, किसने, हेंस्टीन ने जो सिद्धांत दिया ऊतक जननवाद, उसने बताया कि तने और जड़ में तीन स्तर होंगे, तो हमें तने का सबसे बाहरी स्तर होगा, यहां देखेंगे फ्रेंड्स तने में सबसे बाहरी लेयर होती है ये, तो इस सबसे बाहरी लेयर का नाम इन्होंने बताया कि सबसे बाहरी लेयर को हम डर्मेटोजन कहते हैं। डर्मेटोजन सबसे बाहरी लेयर का नाम बताया डर्मेटोजन, जिसको हिंदी में हम त्वचा जन कहते हैं, ये त्वचा जन है। कि तीन स्तर होंगे तो पहला स्तर तो यही हो गया डर्मेटोजन, यानी कि त्वचा जन, और त्वचा जन क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है फ्रेंड्स, आउटर मोस्ट लेयर होती है तने की, और ये एपिडर्मिस का निर्माण करती है, यानी कि बाह्य त्वचा का निर्माण करती है, ये बाहरी त्वचा या बाह्य त्वचा का निर्माण ये लेयर करती है डर्मेटोजन। फ्रेंड दूसरी जो लेयर है, इसके बाद जो दूसरी लेयर आती है, वो दूसरी लेयर ये है, यहां पर दूसरी लेयर आ जाएगी डर्मेटोजन के ठीक नीचे, ये दूसरी लेयर पाई जाती है डर्मेटोजन के ठीक नीचे वाली लेयर, इसको हेंस्टीन ने नाम दिया फ्रेंड्स पेरिबिलेम, इसको हम पेरिबिलेम कहते हैं, और इसको हिंदी में कहा जाता है बलकुट जन, यानी कि दूसरी लेयर का नाम है बलकुट जन, और ये ठीक नीचे स्थित होती है डर्मेटोजन के, यानी कि डर्मेटोजन के ठीक नीचे स्थित लेयर का नाम क्या, पेरिबिलेम, जिसको बलकुट जन कहते हैं, और ये बलकुट का निर्माण करती है, यानी कि कॉर्टेक्स का निर्माण करती है, यानी कि बलकुट का निर्माण करती है, कॉर्टेक्स बनाती है, और उसके बाद जो अगली लेयर, जो सबसे नीचे वाली जो ये लेयर है, इस लेयर को फ्रेंड्स हेंस्टीन ने बताया, अब ये जो सबसे नीचे वाली जो लेयर होगी तीसरी, इस लेयर को बताया इन्होंने प्लीरोम कहते हैं, इसको कहेंगे प्लीरोम, और हिंदी में
इस लेयर को रंभ जन कहा जाता है। ये इनर लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर है, ये सबसे अंदर की ओर पाई जाएगी, यानी कि पेरिबिलियम के ठीक नीचे स्थित होगी। ये इनर मोस्ट लेयर हो गई। और ये किस चीज का निर्माण करती है फ्रेंड? ये प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू बनाती है, प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यूज, प्राथमिक संवहन ऊतक, प्राथमिक संवहन ऊतक का निर्माण करती है। और फ्रेंड्स इसके अलावा, प्राइमरी ऊतकों के अलावा फ्रेंड्स, ये पेरिसाइकिल मेड्यूलरी रे, पेरिसाइकिल यानी कि रंभ, मेड्यूलरी रे रश्मि किरणें, मेड्यूलरी रेज और पिथ का निर्माण ये करती है। तो इस तरह से पेरिसाइकिल का मतलब है रंभ हिंदी में, और मेड्यूलरी रे रश्मि किरणें, और पिथ का मतलब है हिंदी में मज्जा। ये मज्जा का, रश्मि किरणों का, रंभ का और प्राथमिक संवहन ऊतकों का निर्माण प्लीरोम करती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार हेस्टीन ने ये बताया फ्रेंड्स कि किसी भी तने के शीर्ष पर, तने में या जड़ में तीन स्तर पाए जाएंगे। पहला बाहरी स्तर डर्मेटोजन, उसके नीचे का स्तर प्लीरोम, और सबसे अंदर का स्तर प्लीरोम देखिए हेस्टीन ने बताया इस सिद्धांत के अनुसार कि हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार उन्होंने बताया कि तने और जड़ में तीन स्तर पाए जाते हैं। पहला होता है त्वकजन, त्वचाजन, दूसरा होता है पेरिबिलियम यानी कि बलकुटजन, और तीसरा स्तर होता है प्लीरोम या रंभजन। इस थ्योरी को ही हिस्टोजन थ्योरी कहते हैं जो हेस्टीन ने दी थी, और इसको हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो है आंतरिक लेयर, क्या हो गया, ये आंतरिक स्तर है। यहां पर आप देखेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। दूसरी लेयर फ्रेंड्स ग्रीन से बना देंगे, ये आ जाएगा। दूसरी लेयर इस तरह से आ जाती है ये, और सबसे लास्ट कवरिंग ये हो जाएगी। तो इस तरह से देखेंगे तो तीन कवरिंग आपको दिखाई देंगी। ये आंतरिक लेयर हो गई, उसके बाद ये दूसरी लेयर हो गई, और ये वाली ये तीसरी लेयर हो गई। तो इस प्रकार आउटर मोस्ट, उसके बाद मिडल और इनर मोस्ट, ये तीन लेयर बन जाती हैं। इन्हीं इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं, हिस्टोजन थ्योरी या ऊतक जननवाद कहते हैं। इसको दिया था हेस्टीन ने। और ये जो प्रश्न है बीएससी में शॉर्ट नोट के रूप में आता है, इंटरमीडिएट और इलेवेंथ के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये तो और विभिन्न कंपटीशन में टीजीटी पीजीटी में कि हिस्टोजन थ्योरी किसने दिया था, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि ये ऊतक जननवाद या हिस्टोजन थ्योरी जो है वो हेस्टीन ने प्रस्तुत की थी। इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स हिस्टोजन थ्योरी का टॉपिक यहां समाप्त होता है। आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।